नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हमारे देश में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। छठ पूजा का त्योहार भी हमारे देश में लोग धूमधाम से मनाते हैं। ये त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित इस पर्व को अलग अलग तरह की विधि के अनुसार मनाया जाता है। इस पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित महाप्रसाद भी बनाया जाता है और महिलाएं व्रत को पूर्ण करने के लिए सूर्य देव को अर्घ देने घाट पर जाती हैं और पूजा को पूरी विधि के अनुसार करती हैं। लेकिन घाट पर पूजा करने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्यों घाट पर किया जाता है पूजन? छठ पूजा को हमारे देश के लोग विधि विधान के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार छठ पूजा पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई लोग सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट पर जाते हैं और पूजा भी वहीं पर पूर्ण रूप से करते हैं। आपको बता दें कि छठ पूजा को घाट पर करने का भी विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में छठ पूजा की तैयारी कई महीने पहले से ही छठ व्रती महिलाएं करने लगती थी। उस समय घाट पर ही महिलाएं प्रसाद भी बनाती थी, साथ ही रात भर जागरण भी करती थी। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से सूर्य देव और छठ मैया भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मन्नतों को पूरा करती हैं। इस कारण से यह घाट पर छठ पूजा करना बहुत जरूरी माना गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।